गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वुमेन ब्लेजर्स, और इन ब्लेजर्स को मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट पे वैसे भी सेल स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगी क्या ये ब्लेजर्स परचेज करना वर्थ बाय है या नहीं, क्या इतना मतलब 1000 रुपीज तक जो इन्वेस्ट हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है, यानी इन ब्लेजर्स के ऊपर खर्च करना ठीक है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल को हमेशा ऑल पर प्रेस करके रखें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ब्लेजर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है, ये देखिए कुछ इस तरीके का ब्लेजर है, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का ब्लेजर है, पार्टी वेयर ब्लेजर है गाइस ये। और इसमें आपको जो है ना कुछ इस तरीके का डिजाइन मिल जाएगा, आई थिंक यू कैन सी स्लीव्स इसमें आपको मिल जाती हैं, आई थिंक 3-4 स्लीव्स से थोड़ी ज्यादा स्लीव्स हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की स्लीव्स मिल जाएंगी, कॉलर इसमें आपको मिलेगा, मैं आपको ट्राय ऑन में दिखा रही हूँ तो आपको अच्छे से एक आइडिया हो जाएगा। कुछ इस तरीके का ब्लेजर है, अंदर आपको इसमें जो है अंदर देखिए कुछ इस तरीके का फैब्रिक जो है इसमें अटैच है, थोड़ा सिंथेटिक काइंड ऑफ फैब्रिक जो है इसमें अटैच है। ऊपर जो इसके डिज़ाइन दिया हुआ है ना वो भी थोड़ा शाइनी शाइनी वाला जो है इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, प्रिंट जो बना हुआ है ना, आई थिंक ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है कपड़े के ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी, और उसमें कुछ शाइनी वाली एम्ब्रॉयडरी इसमें की हुई है। ये देखिए ब्लैक इन कलर में है गाइज, ब्रांड इसका जो है ये A&D ब्रांड का है, A&D ब्रांड का है, और ये मुझे आई थिंक 700 या 800 समथिंग कुछ का पड़ा था। जितने का भी मैंने परचेज किया है वो मैं सारा यहाँ लगा दूंगी, तो आप प्राइस चेक कर लीजिएगा कि मुझे कितने का ये मिला है। तो ये कुछ इस तरीके का है, ट्रायल में देख लीजिए किस कैसा लग रहा है, डिज़ाइन इसका है वो मैं आपको ट्रायल में दिखा रही हूँ तो आपको उससे अच्छे से एक आइडिया होगा। तो ये है फर्स्ट ब्लेजर, अब हम देखते हैं अपना सेकेंड ब्लेजर। तो सेकेंड ब्लेजर जो है वो मेरे पास ये है गाइस, सेकेंड ब्लेजर जो है वो कुछ इस तरीके का ब्लेजर है गाइस। इसमें टाइगर प्रिंट जो होता है वो टाइगर नहीं पैंथर वाला जो चीता वाला प्रिंट होता है ना वो वाला प्रिंट इसमें दिया हुआ है। स्लीव्स इसमें आपको मिल जाती हैं, फुल स्लीव्स इसमें आपको मिलेंगी, और ये जो है ना कुछ इस तरीके का इसका कॉलर आपको मिलेगा, इस तरीके का कॉलर है, यहाँ आपको मिल जाते हैं आगे की तरफ बटन लगे हुए, कुछ इस तरीके के बटन लगे हुए मिल जाएंगे आपको, और ट्रायल में मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप देख लीजिए कैसा लग रहा है ये पहनने के बाद। और अंदर इसके कोई भी फैब्रिक अटैच नहीं है, खाली ये एक ही ऊपर का फैब्रिक है, और पॉकेट इसमें कोई भी पॉकेट इसमें प्रोवाइड नहीं की गई, ना ही जो पहले मैंने आपको दिखाया था उस वाले ब्लेजर में दिए हुए, और ना ही इस वाले ब्लेजर में आपको पॉकेट मिलेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का है, अब इसका जो फैब्रिक है ना गाइस, हाँ, और इसका जो ब्रांड है ना, ब्रांड मैं बता देती हूँ आपको, एक ये अर्बैनिक ब्रांड का गाइस, अर्बैनिक की अपनी एक खुद की साइट भी है, आप उसको जो है वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये अर्बैनिक ब्रांड का है, ये देखिए अर्बैनिक का ये है जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, आई थिंक 1300 समथिंग कुछ का ये मुझे मिला था, और अमेजोन पे ये 1500 समथिंग कुछ का था, तो वहाँ पे साइज अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज किया क्योंकि फ्लिपकार्ट पे साइज अवेलेबल था। अब हम बात करते हैं क्या ये वाले ब्लेजर और ये वाले ब्लेजर परचेज करना वर्थ बाय है या नहीं, ठीक है या नहीं। तो सीरियसली गाइस सच में मैं आपको बोलूं तो मुझे दोनों ही ब्लेजर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, पता नहीं क्यों ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसका डिज़ाइन वगैरह देखने में पिक देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, ये तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, स्टर्डी सा है, थोड़ा लग रहा है कि हाँ ब्लेजर है ये, कुछ है ठीक है ये, बहुत ज़्यादा मैं इससे भी खुश नहीं हूँ, ठीक है ये बस। और ये वाला तो जो अर्बैनिक का है ना गाइस, बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल बेकार, मतलब अच्छा नहीं है इसका लुक, जैसा उसमें पिक्चर में पिक में जो लुक था ना बिल्कुल भी वैसा लुक इसका नहीं आ रहा है। फैब्रिक की भी इसका ही देख लीजिए कैसा है, लुंज मुंज सा फैब्रिक है, जबकि ब्लेजर्स जो होते हैं काफ़ी स्टर्डी से होते हैं और पहनने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ट्रायल में मैं दिखा रही हूँ तो आप देख लीजिएगा कैसा लग रहा है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे ये अच्छे प्राइस में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, और इस पर अभी सेल भी आ रही है सब पर, तो आप चेक कर लीजिएगा जहाँ पे भी आपको ये सस्ता मिले आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बट ये मुझे बिल्कुल भी जैसा पिक में था जैसा मैंने सोचा था वैसा मुझे नहीं मिला, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं मुझे लग रहा है। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का है, फैब्रिक भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, जैसा कि पिक में था वैसा नहीं है, बिल्कुल भी स्टर्डी नहीं है, गुंज गुंज सा जैसे होते हैं ना उस तरीके का ये है।
तो गाइज ये थे दो वुमेन ब्लेजर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, मैं इनको रिटर्न करूंगी क्योंकि फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगे, जैसे पिक में थे वैसे मुझे रिसीव नहीं हुए, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छे नहीं है। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।